आमंत्रण और निमंत्रण में अंतर। आमंत्रण और निमंत्रण दोनों में बहुत ही अंतर है, दोनों भाषा के शब्द हैं। उत्पत्ति के और प्रयोग के आधार पर क्या अंतर है, देखिए यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर अंतर। आमंत्रण शब्द जो है संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है किसी को औपचारिक रूप से बुलाना या समारोह में शामिल होने के लिए कहना। इसका प्रयोग अधिकतर औपचारिक संदर्भों में होता है। निमंत्रण यह भी संस्कृत से आया है, लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादातर अनौपचारिक और घरेलू संदर्भों में होता है। यह आधिकारिक और कम औपचारिक दोनों तरह के निमंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अर्थ के आधार पर दोनों में क्या अंतर है? तो आमंत्रण किसी विशेष समारोह या महत्वपूर्ण अवसर के लिए आमंत्रित करने की भावना अधिक होती है इसमें। निमंत्रण इसमें अधिक सहज और मित्रतापूर्ण निमंत्रण की भावना होती है, जैसे किसी को घर आने के लिए कहना या किसी छोटे समारोह में किसी को बुलाना। प्रयोग और विस्तार के आधार पर अंतर। आमंत्रण अक्सर इसे लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे आमंत्रण पत्र के माध्यम से। निमंत्रण पत्र निमंत्रण यह मौखिक रूप से भी हो सकता है और लिखित रूप से भी हो सकता है, और अधिक सहज और अनौपचारिक संवाद के रूप में होता है।